की वीडियो हम आपको बताएंगे किस तरह से उत्तराखंड में करीब 500 से ऊपर पदों के लिए जो ग्रामीण डाक सेवक के फॉर्म आए हैं उनको कैसे आपको भरना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर फॉर्म भरने से लेकर पोस्ट सिलेक्शन से लेकर प्रिंट आउट तक फी तक पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 6 से लेकर 7 स्टेप्स में ये पूरी वीडियो होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको GDS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, यानी कि ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक इंगेजमेंट के सबसे पहले जो स्टेप है आपको वो आपको करना है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, फिर आपको यहाँ पर जो है फादर नेम या फिर मदर नेम यहाँ पे आपको टाइप करना है, कोई आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको 2 स्टेप्स करने हैं, सबसे पहले आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना जो है ईमेल आईडी वेरीफाई करवा लेना है। जी हाँ, यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो सिलेक्शन के टाइम पर ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, आपके मोबाइल नंबर आपको ईमेल आईडी, क्योंकि जब आपका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा आपकी डिटेल्स आपको कन्फर्मेशन आपके कॉल लेटर दोनों पे आपको सेंड किए जाएंगे। तो इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपकी ईमेल आईडी जो है वेरीफाई करवा लेते हैं बाय OTP, ठीक है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है हाई स्कूल के अनुसार, उसके अलावा जेंडर, उसके बाद किस कैटेगरी और आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि किस सर्किट से अप्लाई कर रहे हैं। उत्तराखंड से स्वाभाविक बात हम उत्तराखंड के लिए वीडियो बना रहे हैं तो उत्तराखंड से अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर आपके हाई स्कूल पासिंग ईयर क्या है वो आपको लिखना है। तो पहला स्टेप जो है आपका रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि रजिस्ट्रेशन के ठीक नीचे आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर इनपुट करना है, डिसेबिलिटी है या नहीं, अगर है तो किस टाइप की है, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए हैं उनको आपको चूज करना है। उसके अलावा लैंग्वेज स्टेट इन हाई स्कूल, यानी कि आपने हिंदी पढ़ी है, इंग्लिश, बांग्ला, तमिल, तो आप उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से सारी डिटेल्स लैंग्वेज की आ जाएगी, उसमें से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर यू आर एम्प्लॉयड, नो, ठीक है। उसके अलावा अगर एम्प्लॉय हैं तो ठीक है, आपको एनओसी लेना पड़ेगा, एम्प्लॉय तो है नहीं, ठीक है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो है आपका जो है फोटो और सिग्नेचर जो है यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेक्शन का। और फोटो की साइज़ आप देख सकते हैं 50 KB, और जो सिग्नेचर की साइज़ है वो आपको 20 KB होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इससे कम भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा चलेगा, यहाँ पर मिनिमम जो है 50 और 20 दिया हुआ, जैसे नीचे नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी चलेगा, ठीक है। ये हुआ स्टेप 2, जहाँ पर आपका कंप्लीट जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और थर्ड में आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। जी आप देख सकते हैं इस तरह से आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू टू अप्लाई पे जो है क्लिक करना होगा। तो ये स्टेप्स मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, ये स्टेप्स मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप में भी स्नैपशॉट शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका रजिस्ट्रेशन आ गया तो आपको कंटिन्यू टू अप्लाई पे करना। तो जैसे ही आप कंटिन्यू अप्लाई पे करेंगे तो आप देख सकते हैं कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको 4 स्टेप में होगा। बाकी और रजिस्ट्रेशन के बाद हालांकि करते करते ये 7 स्टेप तक आ जाएगा, लेकिन मेनली जो है आपके यहाँ पर चार जो स्टेप होने वाले हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, दूसरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा चूज प्रेफरेंस, यानी कि अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो जोन है वहाँ से आपको अपने प्रेफरेंस भरनी है, यानी कि अगर 50 जोन है तो 50 में से कहाँ कहाँ सीरियल वाइज आपको सारी डिटेल भरनी है। लास्ट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रिंट करना है, फीस का भी इसमें बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन डालेंगे जो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड इतना आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर OTP से आपको अपना रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कराना होगा। ये OTP उसी नंबर पर आएगा जो नंबर आपने स्टार्ट में एप्लीकेशन फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो है वेरीफाई करवाया होगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पास होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको कैप्चर डाल के इसको सबमिट करना है, नेक्स्ट जो है क्लिक कर देना, तो अगली स्टेप पे आप पहुंच जाएंगे। अगली स्टेप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है यहां पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं ये सारी डिटेल जो है आपके ऊपर से बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। ये कम्युनिकेशन एड्रेस है जो आपको बहुत अच्छे से भरना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है जब आपका जो है कॉल लेटर वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपके कैरेक्टर वेरिफिकेशन सब कुछ जो होगा उस समय होगा, ठीक है। अब जो है उससे नीचे आप आएंगे, ये वाला सेक्शन जो है बहुत महत्वपूर्ण है एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये पूरी की पूरी भर्ती मेरिट बेस पर है, तो एक एक पॉइंट पर यहाँ पर काफ़ी लड़ाई हो जाती है एक एक फीट पर। और औसतन उत्तराखंड का मैं आपको बताना चाहूँगा 98
जर्नल का स्कोर जाता है। औसतन यहाँ पर जो जर्नल का स्कोर है 98 है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि औसतन जो जर्नल का यहाँ पर जो स्कोर है वो 98 है। हालांकि 92 तक भी गया हुआ है, थर्ड राउंड तक भी यहाँ पर जाती है, तो इसलिए घबराना नहीं है। अगर 90 के ऊपर आसपास है तो आप तो भी भर सकते हैं, ठीक है। और इस बार तो काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट आई हैं पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल सेकेंड राउंड तक गई थी वेटिंग लिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा किस बोर्ड से आपने किया है, CBSE या फिर उत्तराखंड बोर्ड, ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है, उसके बाद बोर्ड, उसके बाद रिजल्ट टाइप, मार्क्स, और यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट ढूंढ जो है सेलेक्ट करनी, इसमें से हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, ये आपकी जो है बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो है इंग्लिश यहाँ पर मैंडेटरी है, तो यहाँ पर जो इंग्लिश है यहाँ पर आपकी जो है मैंडेटरी है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बाकी इसमें आप मार्क्स डालेंगे अपने आप ये जो है कैलकुलेट कर लेगा, तो यहाँ पर आप फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे जो है क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है अगले स्टेप पे जो है नीचे लेके जाएगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और अहम स्टेप होने वाला है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पर चार स्टेप हैं, तो हमने कर लिया, अब इस पर हम आ रहे हैं चूज प्रेफरेंसेस पे, यानी कि हमको प्रेफरेंसेस भरने हैं। जैसे हमने स्टार्ट में अल्मोड़ा डिवीज़न से अप्लाई किया हो तो आप देख सकते हैं सर्किल का नाम और डिवीज़न कौन सा अल्मोड़ा, ठीक है। फॉलोइंग पोस्ट आर सोन बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी सच एज कम्युनिटी PW, तमाम जो है अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार वो यहाँ पर सारे आ जाएंगे, ठीक है। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू इंटर पोस्ट प्रिपरेशन नंबर द टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर जितने भी हैं आप देख सकते हैं, जितने भी उस डिवीज़न के अंदर हैं सभी आएंगे, सबको आप जो है स्टेप वाइज भर सकते हैं पूरे के पूरे। हालांकि इसमें छः अलग, मैंने एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, जिस डिवीज़न से आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, उस डिवीज़न के जितने भी पोस्ट हैं सबको एक बार स्टडी कर लीजिएगा। मैंने कल एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि किस डिवीज़न में कितनी कितनी पोस्ट हैं, तो उसके अनुसार उनको कैटेगराइज कर लीजिएगा, तभी आप यहाँ पे भर पाएंगे। नहीं तो फॉर्म भरने के टाइम पे आप जो है काफ़ी जल्दबाजी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लगभग एक डिवीज़न में कम से कम, अगर SRMS अगर दून की बात करके छोड़ दें, तो बाकी डिवीज़न में कम से कम 40 से लेकर 70 से लेकर 80 तक की जो है अलग अलग डिवीज़नों में जो है पोस्ट मास्टर्स की ये वैकेंसियाँ निकली, तो इनको आप जो है भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्लिक है टू डाउनलोड एलिजिबिलिटी, ये भी आप इसको जो है चेक कर सकते हैं, अदरवाइज में कोई नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट यहां पर सिलेक्शन। अब जो है लास्ट स्टेप जो आपको करना है, अब यहां पे आपको करना है ये वाला आपका स्टेप आ जाएगा, ठीक है। ये वाला स्टेप आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, BA, ये नाम, और अगर आप जर्नल में, क्योंकि मैंने एज ए जर्नल सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर आप जैसे UR और 100 रुपी यहाँ पर जो है फीस आ गई है। तो जर्नल है तो OBC है तो आपको 100 रुपी फी पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप गर्ल्स हैं, और उसके अलावा अगर आप SC ST PW हैं तो आपको ये फी से जो है एग्जेम्पशन कर दिया जाएगा। फी पे करने के बाद जो लास्ट ऑप्शन होता है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं स्टेप्स 1, 2, 3, 4, लास्ट स्टेप है प्रिंट एप्लीकेशन, तो इस प्रिंट एप्लीकेशन को आपको रख लेना है। उसके बाद सीधे आपको होम पे जाना है, और होम पे जाने के बाद जो तमाम डिटेल्स हैं वो आपको सेव कर लेनी है अपने सिस्टम पे। अगर आप बाहर किसी CSE सेंटर से अप्लाई कर रहे हैं या खुद अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका एक प्रिंट आउट ज़रूर आप अपने पास रख रहे हैं। तो ये सारी स्टेप्स रही, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।